551 दक्षिण सोलापूर विधानसभेचा जर विचार केला तर सकाळपासून मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी एकच गर्दी केलेली पाहायला मिळत आहे. लोकप्रधानची टीम दक्षिण सोलापूर प्रत्येक गावात जाऊन तिथल्या गावांचा नागरिकांचा आणि मतदारांचा आढावा घेत आहे. आता आपण आलो आहोत सोलापूर शहरातील अमन चौक नई दिल्ली येथील या भागात. आपण माझ्या पाठीमागं पाहू शकता या भागातील नई दिल्ली अमन चौकातील भागामध्ये हा जिल्हा परिषद शाळा आहे. त्या शाळेमध्ये दुपारचे 2 वाजले आहेत, अद्याप प्रचंड गर्दी इथे जमलेली आहे. हा जो एरिया आहे मुस्लिम बहुल एरिया म्हणून मानला जातो, तर या ठिकाणी मुस्लिम महिला असू द्या किंवा वयोवृद्ध इसम असू द्या युवक असू द्या आपला हक्क बजावण्यासाठी ते घरातून बाहेर पडलेले आहेत. आणि एकंदरीत त्यांच्या मनामध्ये काय भावना आहे या आजच्या दिवसाबद्दल आपण जाणून घेऊया. त्याची कैसा है उत्साह, कैसा है आपको आज मतदान के आप क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इलेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है. आज वोटिंग इंशाल्लाह आएंगे, कोई कोई आएगा मुसलमान का. अच्छा, 5 साल तक आप वेट करें तो 5 साल में इस एरिया का कुछ डेवलपमेंट विकास हुआ है अभी तक? होने वाला है. अच्छा, क्या उम्मीद लेके आज डाले हैं मतदान? जो आमदार होने वाले हैं अभी उसके क्या विकास करेंगे करके मुद्दे पे डाले हो आप? अच्छा, तो नई जिंदगी की जो महिलाएं अभी तक यहाँ पे आई नहीं है वोट करने के लिए डालने के लिए, तो उनको क्या बोलना चाहोगे? पानी आया, पानी की वजह से आए नहीं, ऐसा आएंगे 4-5 बस तक आई जाएंगे. अच्छा, तो आपने डाला है वोट? अच्छा, क्या अंदर की प्रोसीजर क्या है, क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं? आधार कार्ड एक बार दिखाओ ना, हाथ भी आपकी उंगली भी दिखाओ मतदान करे. अच्छा, एक आधार कार्ड और अंदर का प्रोसीजर कैसा है? सब अच्छा है, अच्छा शांत है. अच्छा, पुलिस प्रशासन का सहयोग कैसा मिल रहा है? अच्छा है, सब अच्छा है. अच्छा, अभी जो यहाँ पे महिलाएं आई नहीं है वोट डालने के लिए, उनको क्या कहना चाहोगे? पानी है, पानी तरफ से पानी भर कर आएंगे, अभी सब पानी की तरह नाक में है. अच्छा, सब होने के बाद आएंगे 5-6 बजे. जो अभी होने वाले आमदार है उनके पास से आप क्या उम्मीद लगा के बैठे? कुछ नहीं, रोड अच्छी है, पानी की सुविधा अच्छी, नाले बंद होना, सब व्यवस्था होना, बच्चा कैसे थैंक यू. सुबह से ही दक्षिण का अगर मंदिर का आप बात की जाए किसी को हर एक बूथ पे गर्दी है, तो यहाँ की भी गर्दी दिखाई दे रही है. एक मतदार राजा करके आप कैसे देख रहे हो इस इलेक्शन को? ऐसा तो बाबू मिश्रे अच्छा अपने कार्यकर्ता है, इसमें जात पात कोई का भाव नहीं है. सोशल वर्कर है, स्किल काम करता है, डिपार्टमेंट काम करते हैं. बाबू मिश्रे अच्छा है, वो अपने बोल कर हम रोटी करें. अच्छा, तो क्या उम्मीद लेके करे तो है? उम्मीद है रोड होंगे और पानी का समस्या है. थोड़ा बहुत कभी रात पाट बोला तो फोन पर आता है, फिर मैं अपने भीड़ को गाइडिंग लगाता लोग कार्यकर्ता जो उनकी पार्टी से क्या मतलब नहीं है. अच्छा, एक इंसानियत नाते से बाबा मिश्र वोट करे, इंसान के नाते से वोट करे. सर आप क्या उम्मीद लेके वोट करे डाले? ये इंसानियत के नाते से इंसानियत से वोट करे. अगर बात जी हमारे घर के सामने पाइप नहीं है पानी का, पानी बारी का आता है, जरा मोटा आंधी पानी का, वो यात्री कर. जब आप अंदर वोट डालने गए तो अंदर की क्या प्रोसीजर है? क्या नहीं, क्या मतदान, खाली मतदान देके नाम बोले. अच्छा, क्या क्या मंगे हैं आपके पास वहाँ पे? मतदान का, इलेक्शन का, मतदान की फोटो मंगे, कुछ भी नहीं आधार का. अभी आने वाले जो होने वाले आमदार है उनके पास से क्या उम्मीद रख के बैठे हो आप? उम्मीद एक लगेंगे हमारा हमारा बोलेंगे गटार वो नहीं है, जरा ये है सामने नल का पाइप, पानी बाई आता हमारा अच्छा नहीं आता, इसके लिए पाइप जरा डालिए, वो भी उम्मीद है मुझे. अभी कैसा महसूस हो रहा है एक वोट डाल के? महसूस हो रहा है खुशी महसूस हो रही है. आपलं नाव आणि कुठून आलात आपण? आज आपण मतदान केलात, 5 वर्षानंतर हा वेळ आलेली आहे. आता आपल्या विकासाचा आपला आवडता उमेदवार निवडण्याचा दिवस होता, तर काय कसं होता आनंद तुम्हाला या आज वोट करण्यासाठी? आनंद होतो. हां, जिथं आपण राहता 10 वर्षामध्ये काय डेव्हलपमेंट विकास झालेला होता त्या गाव नाही झाला होता, म्हणजे आपण परिवर्तन करण्यासाठी वोट घातलेला आहात. अच्छा, काय उमेदी आहेत आमदाराकडून आता होणाऱ्या? रस्त्याची कामं हे. अच्छा, काय प्रोसिजर काय आहे? तुम्ही जेव्हा आत वोटिंग करायला जात आहे काय काय डॉक्युमेंट्स मागत आहे? काय आधार कार्ड मागितले. कोणती अडचण वगैरे नाही? पोलिसांचं सहकार्य कसं भेटतं? नाही भेटत, पोलिसांचं सहकार्य नाही भेटते. आप क्या क्या बोलना चाहोगे? आप नौजवान हो, क्या उम्मीद लेके आज वोट डाले हैं?
सबसे पहले खुशी इस बात की है हमने हमारा हाल बजाया है, और दूसरी बात जो है हमारे यहाँ का काम हुआ है, अच्छा हुआ है, और हमारी भी जो उम्मीद है इधर नई जिंदगी की जो भाग है और पूरा मुस्लिम एरिया है, और दूसरी बात जो है इधर एक जो भी आएगा निवर्ट को वो एक सबसे पहला हमारी एक मांग है अपने एरिए में एरिए में एक बैंक होना चाहिए। अच्छा, जैसे देखो भी आप हो गया सब तरफ का, हर जगह बैंक है, हर समाज के लोग को लोन मिलता है, और मुस्लिम एरिए में ज़रा लोग जो है ना इसके बैंक नहीं रहने के वजह से पीछे पड़ते हैं। एक मुद्दा भी चल रहा है कि सोलापुर शहर में बेरोजगारी बहुत है, युवकों की मुंबई पुणे शहर में जा रहे हैं, तो ये मुद्दा लेके कहीं ना कहीं आप वोट डाले हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही मुद्दा लेकर हम आज आए हैं, और उत्साह बहुत है हमें आज कि हमने हमारा हक बजाया है। क्या उम्मीदें क्या है जो अभी होने वाले आमदार हैं, उम्मीदें क्या लेके डाले हैं? अभी हमारी जो मांग है उम्मीदवार उनके आएंगे बैंक, सब में पहले बैंक की इधर जरूरत है, बैंक की जो भी हो बैंक की इधर मांग है, बैंक जो है बैंक की है। दूसरी बात जो है जातिवाद को ख़त्म करने के लिए हमने आज वोट किया है। अच्छा, हाँ, पूरा जातिवाद का माहौल चल रहा है, वो माहौल को वो मुद्दे को ख़त्म करने के लिए हटाकर एकता और अनुशासन के लिए हमने आज हमारा हक बजाया है। क्या बात है, आपने भाई ने बोला है जातिवाद मिटाने के लिए हमने आज वोट डाला है, ये बहुत बड़ी बात की है भाई ने, तो आप किस वजह से वोट डाले हो, क्या उम्मीद लेके वोट डाले? स्कूल वगैरह अच्छे बड़े आवाज स्कूल वगैरह है, वो पुलिस के सहकार्य मिल रहा है, ये जातिवाद के बारे में सब सहकार्य मिल रहा है, सब अच्छे हस्ते मिल रहे। आप यहाँ के? हाँ नहीं सर। क्या समस्याएं क्या थी यहाँ पे जो 10 साल में या 5 साल में क्या समस्याएं थी जो अभी तक आमदार ने नहीं छुड़ाए थे? एक मुद्दा बोलो। रोड भी नहीं हो रही है, रोड बन रहे हैं, थोड़ा बहुत काम हुआ है। ठीक है, अभी आने वाले आमदार से क्या उम्मीदें हैं? रोड का, नल का, ड्रेनेज लाइन वो भी नहीं है काम। अच्छा, जो अभी तक वोट डालने नहीं आए युवक उनको क्या बोलना चाहोगे? अभी वो भी डालेंगे, आएंगे, जरूर आएंगे। 5 साल बाद आप अंदर के लिए वोट डालने आए हैं, बच्चों आपके साथ हैं, तो कैसा खुशी है? बहुत खुशी है, खुशी है, अच्छा लग रहा बहुत, और इस बार वोटिंग करने को भी अच्छा लग रहा है। आने वाले होने वाले उम्मीदवार से आमदार से क्या उम्मीद लगा कि आज वोट डाले हैं आप? उम्मीद तो बहुत है, अच्छा भी कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। अभी तक देखे जाए तो 10 साल में यहाँ पे विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, नई जिंदगी है, बहुत अच्छा हुआ है, नई जिंदगी पूरा टॉप में आया है फर्स्ट टाइम। हाँ अच्छा, पहले नई जिंदगी बोले तो लोग पीछे वैसा नहीं, डेवलप अच्छा हुआ नई जिंदगी। अच्छा, अभी तक जो युवक यहाँ पे वोट डालने नहीं आए तो उनको क्या बोलना चाहोगे? ना अभी तक जो वोट डालने नहीं आए जो युवक है तो उनको बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? बोलूँगा ना अपना मनपसंद उम्मीदवार चुने। हाँ, और उम्मीद रखें इंशाल्लाह कुछ तो अच्छा ही होगा और आगे। ओके, मुस्लिम असू दे हिंदू असू दे जातीचं काय ह्या गोष्टीमध्ये प्रश्न होतो, ह्या गोष्टीवर कुणीच राजकारण करू नये, कारण का मी मुस्लिम समाजामध्ये राहिलेलं आहे, म्हणजे जातीनं मराठा पण हे असलं राजकारण घाणेरडे लोक आहे। बरं, मला ओळखतो। मग आपण कोणत्या विकासावरती आज मतदान केलं, म्हणजे कोणत्या उमेदवारानं मतदान केलं? सोलापूरच्या भरपूर काय आहेत आपण, पण थोडंफार लक्ष दिलं। आपण कोणत्या एरियामध्ये राहत आहे? मी सत्तरपूर एरियामध्ये राहतो। कोणत्या तिथे समस्या आहेत ज्वलंत जे आमदारीने आता आपण सोडवलं नाही आहे? मेन तर ते भाजी मार्केटची समस्या आहे, तिथं रोड व्हायला पाहिजे, पब्लिकला यायला जायला पाहिजे, नई जिंदगीमध्ये म्हणजे तो झालं नाही आहे, चालेल नाही, रिक्षावाल्यांना मदत पाहिजे तिथं, म्हणजे आपल्याला परिवर्तन घडवायचं। अच्छा, थँक्यू।